हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। बिहार बीसीसी बीएससी नर्सिंग। बड़े लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था कि काउंसलिंग कब शुरू होगी और अब बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद जितने भी बच्चे और अभिभावक हैं उनकी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं सारी कहीं ना कहीं इस आस में, इस उम्मीद और इंतजार में टूट रही है। और अब जो बिहार सरकार है उसे इस मामले में ध्यान देने की ज़रूरत है। बीसीसीई बोर्ड को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर काउंसलिंग को इतना लेट क्यों करवाया जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई को क्यों ख़राब करवाया जा रहा है। क्या आप एक काउंसलिंग समय रहते नहीं करवा सकते? प्यारे साथियों, आज आप सबको आपके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ बीसीसी बोर्ड को और वहाँ के कर्मचारियों को, चलो एक टाइम होता है, आपने सारी जो हैं बच्चों की जो उम्मीदें हैं उनको कुचलने का प्रयास किया है। जो काउंसलिंग सितंबर अक्टूबर में करवाई जा सकती थी उस काउंसलिंग को आप नवंबर में लेके आ गए, तो इससे तो ज़्यादा सही वह होता कि आप बच्चे की परीक्षा अक्टूबर में कराते, बच्चों को पढ़ने के लिए समय मिलता, तैयारी अच्छी तरह से करते और नंबर और अच्छे आते। आप तो एग्ज़ाम तो बहुत पहले करवा दिया लेकिन काउंसलिंग अब तक नहीं करवा रहे, ये कौन सा न्याय हुआ? सारे बच्चे और गार्जियंस इस बात को लेकर परेशान हैं कि बिहार का बीसीईसी बोर्ड इतना निकम्मा क्यों है, इतना निठल्ला क्यों है। बीसीसी बोर्ड को यह समझने की जरूरत है कि अब सारे बच्चे और उनका सब्र का जो बांध है अब टूट चुका है, अब इससे ज्यादा सहन नहीं होगा, आप काउंसलिंग तय वक्त पर शुरू करवा दीजिएगा। प्यारे साथियों, मैं आपको कुछ नंबर यहां पे दिखाना चाहूंगा। यह हमारा बिहार का बीसीसी बोर्ड है और आप देखिए बच्चों, सभी की काउंसलिंग हो गई है, केवल हमें ही पीछे रखा गया है। आप देखो इधर, यहां पर यूजी एमएससी की काउंसलिंग करा दी इन लोगों ने, पीजी एमएससी की काउंसलिंग करा दी इन लोगों ने, ठीक है कि नहीं है? मतलब कि ये जो बिहार का कंबाइन बोर्ड है, ठीक है ना, इसने बाकी तो सभी की काउंसलिंग करा दी। पता नहीं बीएससी नर्सिंग वालों से और फार्मेसी वालों से इनको कौन सा डर लग रहा है, ठीक है ना? इतना कोई इंतजार होता है क्या? और मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये बच्चों बीआर बोर्ड और उसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सभी बच्चे कंटिन्यू कॉल करिए इस नंबर पे, कंटिन्यू कॉल करिए, आप उनको बोलिए कि हमारी काउंसलिंग करवाइए, आप हम इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकते, हमारी पढ़ाई तय वक्त पर शुरू करवाइए आप। क्योंकि मेरी कुछ कॉलेजों से बात हुई है और ये एड्रेस है बच्चों, जो बच्चे पटना रहते हैं बीसीसी बोर्ड के पास, वो वहाँ जाकर ज्ञापन दीजिए बेटा, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए कि सर हमारी काउंसलिंग्स जल्दी शुरू कराओ, हमारी पढ़ाई टाइम पे शुरू हो जाएगी। सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब बच्चे आएँ और कब उनकी क्लासें शुरू करें। एक और ये बोर्ड है, ये काउंसलिंग नहीं करा रहा, बेचारे कॉलेज वाले करें क्या? काउंसलिंग करवाएंगे तभी तो कॉलेजों में क्लास शुरू होगी, ठीक है? तो इतना भी लेट नहीं करना चाहिए इनको। चलो पहले हम भी सोच रहे थे कि कोई नहीं, इनके पास में स्टाफ की कमी हो सकती है, लेकिन एक लिमिटेशन होती है और उसको उन्होंने क्रॉस किया है देखो। और बच्चों मैं मेल आईडी भी आपको बताता हूँ, आप इस मेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। ये नीचे मेल आईडी दी हुई है, आप मेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है? अब प्यारे साथियों, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इन्होंने सभी काउंसलिंग करवा दिए, देखो मैं अभी बता रहा था, यूजी एमएससी करवा दी, पीजी एमएससी की करवा दी, इसके अलावा डीसीईसी डिप्लोमा वाला एग्जाम नर्सिंग वालों से बाद हुआ था उसकी भी काउंसलिंग इन लोगों ने करा दी, ठीक है? बीसीईसी एलई, ठीक है ना, इंजीनियरिंग वालों की काउंसलिंग करा दी इन लोगों ने, ठीक है ना? इसके अलावा देखो, इनके मॉपअप राउंड तक हो गए, थर्ड राउंड भी हो गए, हमारा फर्स्ट राउंड ही शुरू नहीं हुआ, ठीक है? इसके बाद में आप देखिए यूजीई एससी की काउंसलिंग हो चुकी है और डीसीईसी में पी की हो चुकी है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा की हो चुकी है, ठीक है ना? जीएनएम की हो चुकी है, एएनएम की काउंसलिंग हो चुकी है, पीएमएम की, पीएम की हो चुकी है, ठीक है ना? अब देखो आप,
इसी तरह से दोस्तों जो आपका आईटीआई है, आईटीआई की काउंसलिंग इन लोगों ने करा दी है, तो आखिर हमारी काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है? बीसीईसी बोर्ड बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी की काउंसलिंग क्यों नहीं करवा रहा है? आप देखिए बच्चों ये नोटिस बोर्ड, इस नोटिस बोर्ड के अंदर आप नोटिस देखिएगा, अभी तक हमारा बीएससी नर्सिंग को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। देखो आप, ये 5/11 को नोटिस आया था, ये बीसीईसी ईबी, ये पीजीडीएससी का नोटिस है, ठीक है। फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर क्या पता काउंसलिंग हो गई होगी, नहीं हुई है बेटा अभी तक काउंसलिंग, ठीक है एल। हाँ, अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो आप बीसीईसी ईबी पीजीएमएससी की, ठीक है, इसी तरह से बीसीईसी इंजीनियरिंग वालों की, इसी तरह से बीसीईसी डीसीसीई की, मतलब हमारी काउंसलिंग नहीं है, बाकी सभी के करा रहे हैं ये लोग, सभी के लिए नोटिस, नीट की करवा दी इन लोगों ने, ठीक है ना। एक पता नहीं बीएससी एमडीएस और बीडीएस की करा दी इन लोगों ने, ठीक है ना। ये देख सकते हो जितने भी नोटिस आए हैं इनमें कहीं पर भी बीएससी नर्सिंग वालों की और फार्मेसी वालों की काउंसलिंग नहीं है, बाकी इन लोगों ने सभी की काउंसलिंग शुरू हो गई और पूरी भी करवा दी यहां तक की। मुझे पता है कि काउंसलिंग ये करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काउंसलिंग करानी तो पड़ेगी, लेकिन लेट करवाने से ज्यादा सही यह है कि समय रहते करवाइए, ताकि बच्चों को टाइम पर एडमिशन मिलेगा, बच्चे सही ढंग से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। जब बच्चों हमने पता करने का प्रयास किया तो बोर्ड से एक ही रटा रटाया आंसर मिल रहा है कि बस शुरू हो जाएगी। अक्टूबर में पूछा था, दीपावली से पहले पूछा तो दीपावली के बाद शुरू होगी, अब पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं 15 नवंबर तक शुरू हो जाएगी, आखिर इतना लेट क्यों, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपको दो काम करना चाहिए, आप मुहिम चलाइए, नहीं तो बेटा ये थोड़ा और भी लेट कर सकते हैं, और अपन चाहते हैं ज्यादा लेट नहीं हो। तो आप सब बच्चे बीसीईसीई बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर नंबर हैं उस पर कॉल करिए, बीसीईसीई बोर्ड की वेबसाइट पर इनकी ईमेल आईडी है बेटा, उस पर ईमेल करिए। और इसके अलावा भी जो बिहार का सीएम पोर्टल है, मुख्यमंत्री पोर्टल, उसके ऊपर शिक्षा मंत्री के, बिहार के गृह मंत्री के, सभी के वहां पे ईमेल आईडियां दी हुई है, आप उनके ऊपर ईमेल करके एक एप्लीकेशन ईमेल करिए कि अभी तक बीसीईसी बोर्ड ने एग्जाम 3 महीने पहले ही करवा दिया था, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं और हमारी काउंसलिंग तक शुरू नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। मान लो कोई बच्चा, उसकी रैंक 5000 है, वो काउंसलिंग के लिए इंतजार कर रहा है, मान लेते हैं कि थर्ड राउंड में उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, लास्ट तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तब तो वो बच्चा बाद में तो कोई पाठ्यक्रम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप दिसंबर तक काउंसलिंग कराओगे तब तो वो बच्चा कहीं और एडमिशन ही ले पाएगा। अगर आप काउंसलिंग पहले कराते और कोई बच्चा अगर पीछे रह भी जाता तो कहीं दाएं बाएं एडजस्ट तो होता। तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं ये लोग, गलती कर रहे हैं। अक्टूबर तक इनको काउंसलिंग करवा देनी चाहिए थी, क्योंकि सभी की काउंसलिंग तो हो चुकी है ना, तो अब क्यों नहीं करा रहे हैं ये बीसीईसी बोर्ड की, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक शोचनीय बिंदु है और कहीं ना कहीं एक परेशानी भी होती है इससे। और अगली बार काउंसलिंग की जिम्मेदारी बीसीईसी बोर्ड को पहली बात तो मिलनी नहीं चाहिए मेडिकल लाइन के लिए, और अगर मिलती है तो पहली काउंसलिंग नर्सिंग वालों की होनी चाहिए, पैरा मेडिकल वालों की होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का एक बहुत ही बड़ा पाठ्यक्रम होता है, इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल हॉस्पिटल ड्यूटी देनी पड़ती है, तो इसलिए बच्चों को आप लेट भेजेंगे तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा मैं 2-3 चीजें आपको जरूर बताकर जाऊंगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी आईएनसी, इस बीसीईसी बोर्ड के ऊपर भी ऑर्डर किसका चलता है बच्चों? आईएनसी का चलता है, ठीक है ना। अब हुआ क्या है, हकीकत क्या हुई है वो मैं आपको बताता हूं। क्या था कि पहले बच्चों 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी काउंसलिंग कराने की, तो ये बोर्ड पूरी तैयारी करके बैठा था और ये 15 अक्टूबर के आसपास नोटिस निकालने वाले थे, लेकिन फिर अचानक क्या होता है बच्चों, आईएनसी एक ऑर्डर जारी करती है और आईएनसी ने क्या किया कि कुछ राज्यों को छूट दे दी कि अगर आप काउंसलिंग टाइम पे नहीं करा पा रहे हो तो आपको हम जो है दिसंबर तक की छूट देते हैं। अब उस छूट का ये लोग फायदा उठा रहे हैं,
ठीक है, आईएनसी ने 31 दिसंबर 2022 तक पूरे इंडिया के अंदर जितने भी बोर्ड बने हुए हैं उन सभी बोर्ड को कहा है कि आप 31 अक्टूबर से पहले पहले काउंसलिंग को पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, ये ऑर्डर आए हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनको काउंसलिंग अभी नवंबर में ही करवा देनी चाहिए। चलो आईएनसी ने छूट दी वो बात अलग है, लेकिन आप तो एग्जाम भी ले चुके हैं, आप तो रिजल्ट भी दे चुके हैं, आपको तो अब काउंसलिंग करानी है, तो इतना लेट मत करिएगा। बच्चों के करियर के बारे में सोचिएगा, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं बीसीसी बोर्ड के बड़े जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी, और मैं निवेदन करना चाहता हूं हर एक अभिभावक और बच्चे से भी, बेटा आप भी अपने लिए आवाज उठाइए, आप बीसीसी बोर्ड में कॉल करिए, ईमेल करिए, ठीक है, वहाँ एप्लीकेशन भेजिए, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों, अगर आप दबाव बढ़ाएंगे तो ज़रूर हमारी काउंसलिंग तय समय पर होगी और ज़्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा प्रेशर बिल्कुल काम आएगा बच्चों। ठीक है, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था दोस्तों राजस्थान के अंदर 2021-22 में, वहाँ पर उन लोगों ने एग्ज़ाम करवा दिया और 3 महीने तक काउंसलिंग नहीं कराई, और उन्होंने ये कह दिया था कि काउंसलिंग 1.5 महीने के बाद ही शुरू होगी क्योंकि हमारे कुछ कॉलेजों का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। फिर होता ये है कि हम सब ने मिल करके एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई, हमने मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को, वहाँ के जो वीसी थे उनको, सभी को ज्ञापन दिए, सोशल मीडिया पर उनको टैग किया, ट्वीट किए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उस मुहिम के प्रभाव से अगले 2 दिन में इन लोगों ने काउंसलिंग शुरू कर दी, और जिनका मामला कोर्ट में था उन कोर्ट वालों कॉलेजों की भी काउंसलिंग साथ में शुरू की। तो बच्चों ये होता है दबाव, और वो तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमारा कर्तव्य फर्ज है। ठीक है, ये बोर्ड दोस्तों हमारे लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा तो बच्चों, आपकी जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है, पहली बात तो कोई अभिभावक इस बात के लिए डरे नहीं कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। मैं एक बात बता दूं, काउंसलिंग 100% होगी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि परीक्षा करा दी काउंसलिंग नहीं कराए, काउंसलिंग 100% होगी। पहले तो अपनी घबराहट को दूर करिए। दूसरी बात, काउंसलिंग के 3 चरण होंगे, पहले राउंड की काउंसलिंग, फिर दूसरे राउंड की काउंसलिंग, और फिर तीसरा राउंड जिसे ओपन या मोपअप राउंड कहते हैं। तो 3 राउंड की काउंसलिंग होगी बच्चों। ठीक है, अब इनको देखो, इनको काउंसलिंग 31 दिसंबर से पहले पहले पूरी करनी है, तो इसका मतलब आप ये समझो कि अगर ये पहला राउंड, अगर ये पहला राउंड 10 नवंबर और 15 नवंबर के बीच अगर ये पहला राउंड शुरू करते हैं, 10 और 15 नवंबर के बीच अगर ये पहला राउंड शुरू करेंगे, तब जाकर के बच्चों फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी 15 दिन लगते हैं, तब जाकर के इनका 30 नवंबर तक बच्चों को कॉलेज मिलेगा, बच्चे कॉलेज में रिपोर्टिंग कराएंगे। फिर अगर मान लो ये सेकेंड राउंड दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू करेंगे, तो कहीं 20 दिसंबर तक जाकर के सेकेंड राउंड पूरा होगा, और बच्चों तब जाकर के आपका ओपन राउंड जो है वो 31 दिसंबर तक पूरा होगा। 31 दिसंबर के बाद काउंसलिंग की इजाजत नहीं है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के स्पष्ट ऑर्डर हैं, ठीक है ना। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है बच्चों, अब अगर ये काउंसलिंग में लेट करेंगे तो काउंसलिंग 31 दिसंबर से पहले पूरी ही नहीं होगी, और इसका खामियाजा इस बोर्ड को भुगतना पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए हमें दबाव बढ़ाना है। वैसे मुझे ये लग रहा है कि अब इनको काउंसलिंग शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब शुरू करेंगे तब जाके पूरी होगी, है कि नहीं। अब इनके पास टाइम कितना है, 40-45 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब इन 40-45 दिन में 3 राउंड की काउंसलिंग करवानी है, और हर एक राउंड की काउंसलिंग के अंदर बच्चों 10 से 15 दिन का समय लगता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो काउंसलिंग का 10 नवंबर को भी अगर ऑर्डर जारी होता है, तो 7 दिन तो आपको कॉलेज की चॉइस भरने को देंगे, फिर आगे 7 दिन आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग जाकर करवाने को देंगे, तो 1 राउंड में 15 दिन लगे कि नहीं लगे, बिल्कुल। अब बच्चों होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, देखो जैसे ही मान लो नोटिस जारी होगा ना काउंसलिंग का, तो सबसे पहले यह होता है कि सीट मैट्रिक्स जारी करेंगे ये लोग। क्या जारी करेंगे? सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स का मतलब यह है
कि ये लोग सबसे पहले तो ये बताएंगे कि बिहार में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उनमें कितनी सीट है, फिर ये बताएंगे कि बिहार में बीएससी नर्सिंग के कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और उनमें कितनी सीट है, और वो ये भी बताएंगे कि यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी सीट है, बीसी कैटेगरी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है और पर्सन विद हैंडीकैप्ड कोटे में कितनी सीट है। इस प्रकार का एक सीट मैट्रिक्स जारी होने वाला है। सर ये सीट मैट्रिक्स कब जारी होगा? जब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक जारी होते ही हमें यह पता चल जाएगा बेटा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, हम उसके अनुसार काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहले बीसीईसी बोर्ड की वेबसाइट पर क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे सर? तो देखो, आपके पास में रोल नंबर है, आपके पास में जो फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, ठीक है ना, और आपके पास में बच्चों पासवर्ड, ईमेल आईडी वगैरह भी हैं। तो इनकी मदद से आप जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ेगी कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। बेटा जब कॉलेज की आप चॉइस भरोगे ना, तो सबसे एक नंबर, दो नंबर, ऐसे कॉलेज को नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो आप ऊपर ही ऊपर कौन से कॉलेज भरना बच्चों? गवर्नमेंट कॉलेज। ऊपर ही ऊपर कौन से कॉलेज भरने आपको? गवर्नमेंट। और नीचे कौन से कॉलेज भरने बेटा? प्राइवेट। और जिनको प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, जिनके परिवार वाले प्राइवेट कॉलेज में आपको नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चे केवल बेटा गवर्नमेंट ही भरना, प्राइवेट मत भरना। अब बात करते हैं फीस की कि सर फीस क्या लगेगी। वैसे तो फीस को लेकर मैं अलग वीडियो बना दूंगा जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अनुमानित गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो काफ़ी कम लगेगी आपकी। हो सकता है कि वो 15,000 से लेकर के 30,000 के बीच में ही लगेगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है बेटा वो 70,000 रुपये से लेकर 1,00,000 तक लगेगी आपकी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो 4 साल का कोर्स है तो 4 ईयर की आपकी फीस लगेगी, ठीक है। अब प्यारे साथियों, मैं एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं कि मान लो आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप सेकंड राउंड में भाग ले सकते हो। सेकंड राउंड में नहीं मिला तो आप थर्ड राउंड में भाग ले सकते हो। सर कौन कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं? देखो, भाग तो कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, ठीक है ना। मैं तो एक ही बात कहूंगा, कट ऑफ क्या रहेगी, अक्सर बच्चे बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। देखो बेटा, जिनकी रैंक 2000 तक है, जिनकी रैंक कितने तक है? 2000 तक जिनकी रैंक है, वो तो अपने आप को 100% श्योर मान लीजिए भैया, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप ये मान के चलें, ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जिनकी 2000 तक रैंक है उन बच्चों को उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको काउंसलिंग बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करानी है बेटा। अब रही बात कि जिनकी रैंक जो है 2000 से लेकर के 5000 तक है, जिनकी रैंक 2000 से 5000 तक है, क्या उनको सर काउंसलिंग करानी चाहिए? बिल्कुल करानी है बेटा, आपको भी काउंसलिंग करानी है। हो सकता है कि आपको सेकंड राउंड में या ओपन मॉपअप राउंड में, यानी थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाए, ठीक है, लेकिन इस रैंक में बेटा प्राइवेट कॉलेज तो 100% मिल ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना 50% है बेटा, ठीक है ना। फिर भी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है थर्ड राउंड ओपन राउंड में आपको कॉलेज मिल जाए। तो 5000 रैंक तक प्रत्येक बच्चे को काउंसलिंग जरूर करवानी है, काउंसलिंग में जरूर भाग लेना है बेटा आपको, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 2000 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकती है, 2000 तो गवर्नमेंट सीट ही नहीं है। देखो बच्चों, आप सही कह रहे हो कि 2000 गवर्नमेंट सीट नहीं है, लेकिन प्यारे साथियों, अरे सीट तो 2000 से कम है, लेकिन क्या आपके आगे के 2000 के 2000 बच्चे बीएससी नर्सिंग करेंगे क्या? नहीं। तो ये तो एग्ज़ाम तो कंबाइन हुआ था ना, तो इस जो आपने एग्ज़ाम दिया उस एग्ज़ाम से बच्चे एग्रीकल्चर में भी जाएंगे, इसी एग्ज़ाम से बच्चे इंजीनियरिंग में भी जाएंगे, इसी एग्ज़ाम से बच्चे फार्मेसी में भी जाएंगे, इसी एग्ज़ाम से बच्चे पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स में भी जाएंगे, ठीक है ना, और इसी एग्ज़ाम से बच्चे जो है बीएससी नर्सिंग में भी जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4-5 अलग अलग कोर्स के बच्चे हैं
आपके 2000 रैंक में कुछ बच्चे इस फील्ड में जाएंगे, हो सकता है 200 बच्चे इस फील्ड में गए, 200 बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में गए, 300 बच्चों ने फार्मेसी के लिए काउंसलिंग कराई, 200 ने पैरामेडिकल डिग्री के लिए कराई, 400 ने बीएससी नर्सिंग के लिए करवाई। ऐसा हो सकता है ना कि इनमें से आपके आगे के कुछ ऐसे भी बच्चे हो जिन्होंने पहले से ही जीएनएम में एडमिशन ले लिया हो, बात को समझो। कोई आईटीआई में किसी ने ले लिया हो क्योंकि उनकी काउंसलिंग पहले ही हो गई थी। कुछ बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया होगा, हो सकता है ना कि उसने नीट में भी लिया हो। अभी एम्स का काउंसलिंग हुआ था बेटा, एम्स नर्सिंग का। तो कुल मिलाकर के आप इस बात के लिए नहीं घबराएं कि आपकी रैंक अगर 3000 है तो जरूरी तो नहीं है कि 3000 के 3000 ही नर्सिंग करेंगे, है कि नहीं। तो आप इस बात को भी थोड़ा समझो। मैंने देखा था कुछ बच्चों को, वो कह रहे थे सर रैंक तो 4000 आ गई है, अब तो कोई चांस नहीं बनता क्योंकि मेरे से आगे तो 4000 बच्चे हैं। अरे बेटा 4000 आपके आगे हैं, लेकिन वो सारे नर्सिंग करने वाले थोड़ी है। कोई बीसीईसी का जो ये एग्जाम हुआ था ये केवल नर्सिंग के लिए थोड़ी हुआ था बेटा, ये कंबाइन एग्जाम होता है। आपको तो पता ही होना चाहिए कि बिहार बोर्ड कंबाइन एग्जाम लेती है, ठीक है ना। तो मैं फिर कहना चाहूंगा बेटा आपको, आप पॉजिटिव रहिएगा और बिल्कुल किसी भी प्रकार से डिप्रेस टेंशन आपको लेनी नहीं है, 1% भी टेंशन आपको दिमाग में रखनी नहीं है। ये घबराहट आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। पहले आप प्रॉमिस करिए कि सर हम किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है कि नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है घबराहट या डिप्रेशन जैसी कंडीशन से नहीं गुजरे, ठीक है। आपको बिना पैनिक हुए आपको काउंसलिंग में भाग लेना है बेटा, ठीक है ना, और जरूर सिलेक्शन होगा ये उम्मीद रखनी है। लेकिन हाँ, जिनकी रैंक 10000 से ऊपर है उन बच्चों को वो काउंसलिंग तो करा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको काउंसलिंग नहीं करानी है। काउंसलिंग अगर किसी के 8000 रैंक है तो भी कराइए, 15000 रैंक है तो भी कराइए बेटा, क्या पता कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए आपको, क्योंकि अब ज्यादातर बच्चे जो है दाएं बाएं जा चुके हैं किसी न किसी कोर्स में। अब कंपटीशन बेटा आधा हो चुका है, आप हो चुका है, जितने बच्चों ने परीक्षा दी है अब सभी काउंसलिंग नहीं कराएंगे। बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोर्सों में जा चुके हैं क्योंकि सभी कोर्सेज की काउंसलिंग तो हो गई ना, केवल आपकी तो पीछे रही है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये बेनिफिट भी है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों डिप्रेस नहीं होना है आपको, ठीक है। तो काउंसलिंग हम कराएंगे, बहुत अच्छी तरह से कराएंगे, मैं काउंसलिंग में आपकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन बोर्ड ने एक गलती जरूर की है बच्चों, इसके लिए आप सभी को आवाज उठाने की जरूरत है। बिहार बोर्ड को यह काउंसलिंग बहुत पहले करा देनी चाहिए थी, यह बच्चों के साथ कहीं ना कहीं एक धोखा है, मैं मानता हूं। अब देखो प्यारे साथियों, मेरी एक बात और ध्यान से सुन लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए प्यारे साथियों, अपना जो सपना है उसको नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम पहले सोच रहे थे हमें गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है और फिर थोड़ा पेपर में 2-4 क्वेश्चन टफ देखे फिर हमने कहा नहीं नहीं मुझे आईटीआई करनी है, आईटीआई का एग्जाम दिया उसमें लगा यार मेरा तो होगा ही नहीं, नहीं नहीं मुझे जो कुछ और कोर्स करना है। बेटा अगर पल पल में आप अपनी सोच को बदलते रहेंगे, मुझे ये नहीं ये कोर्स करना है, ये नहीं ये कोर्स करना है, तो कोई भी एक ड्रीम को अपन पूरा नहीं कर पाएंगे। आप किसी एक कोर्स को लेने के लिए प्रयास करिए, एक साल तैयारी की, नहीं हुआ तो अगली साल करिए बच्चों, ठीक है। सफलता मिलेगी जरूर, मिलने में समय लग सकता है वो बात अलग है, अच्छी मेहनत करो, बढ़िया पढ़ो। और जिन बच्चों की इस बार रैंक ज्यादा आई है, 15000 से ऊपर है, 10000 से ऊपर है, मैं उन बच्चों को कहूंगा बेटा आप एक और मौका दीजिए खुद को, एक बार और आप तैयारी करिए, अगली साल आपकी सीटें भी बढ़ सकती है, नए कॉलेज भी खुल सकते हैं। सभी राज्यों में नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, अभी बिहार में अपने यूपी में खुले हैं 11 नर्सिंग के नए कॉलेज, अभी राजस्थान में 18 बीएससी नर्सिंग के नए कॉलेज खुले हैं, ठीक है ना, और अभी हरियाणा के अंदर भी नए कॉलेज अगले सेशन से ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। और मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, अब बिहार एकमात्र ऐसा राज्य बचा है जहां पर, और बड़े लंबे समय से मांग चल रही थी नर्सिंग कॉलेजों की, और इस बार आप देखना जरूर गवर्नमेंट इस मामले पर काम करेगी। और अगर आपके नए कॉलेज खुल गए तो बच्चों कॉलेजों की संख्या भी डबल होगी और सीटों की संख्या भी डबल होगी, ठीक है ना। तो इसलिए 2023 के लिए आप तैयारी में लग जाइए। जिनकी रैंक ज्यादा है मैं उन बच्चों को कहूंगा बेटा आप 2023 के लिए अभी से आप तैयारी करिएगा, ठीक है ना। और आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका, आप मेरे से बात करिए, आप मेरे को कॉल करिए, ये नंबर है, आप नंबर नोट कर लो, 9828721222।
29 मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। जितने भी गांव देहात और मजदूर परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिनके मन में डर है एक बात को लेकर के कि क्या पता मेरा नंबर आएगा कि नहीं, मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए, बेटा आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको गाइड करूँगा, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक बेटा आप कभी भी कॉल कर सकते हैं नंबरों के ऊपर, ठीक है। और आपको अगर कोर्स लेना है, आप अगर बेटा ऑनलाइन कोर्स लेकर के भी पढ़ना चाहते हैं, तो 2023 के लिए मैंने बिहार के बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए एक कंबाइन कोर्स लॉन्च किया है बेटा। उस एक ही बैच से आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हो, पैरामेडिकल और फार्मेसी का भी दे सकते हो बेटा, और बहुत ही कम फीस रखी है मैंने आपके लिए। मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी भारी फीस हमारे बिहार के बच्चे नहीं दे सकते और मैं लेना भी नहीं चाहता। केवल 790 रुपए बेटा फीस रखी है आपकी, 790 में पूरे साल आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। जब तक 2023 वाला एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको पढ़ाया जाएगा। आप तो बस कोर्स लीजिए, डेली लाइव क्लासे लीजिए, कोई लाइव क्लास पीछे छूट जाती है तो वो क्लास बेटा रिकॉर्डेड के रूप में भी मिल जाएगी आपको। आप उन क्लासों को लीजिए और अच्छी तैयारी करिए, आप अच्छी मेहनत करिए। गाइड मैं करूँगा, हमारी टीम करेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में बैच है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में बैच है बेटा, ठीक है। तो आप इन नंबरों पे एक बार कॉल कर दीजिएगा, आपके मन में जितने भी डाउट है वो मैं सॉल्व करूंगा और हम अच्छी मेहनत करेंगे, मिलके अच्छी पढ़ाई करेंगे। और रही बात काउंसलिंग की बेटा, काउंसलिंग मैं मेरी खुद की प्रेजेंस में कराऊंगा, मैं खुद गाइड करूंगा कैसे कॉलेज भरना है, पहले कौन सा कॉलेज भरना है, बाद में कौन सा भरना है, पूरी मैं गाइडेंस आपको देता रहूंगा बेटा। अभी आप काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने दो और थोड़ा आप भी दबाव बनाओ बेटा, एकता और संगठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सब एक रहे तो हम काउंसलिंग बहुत पहले करा सकते हैं। मैं सभी अभिभावकों को, शिक्षकों को, कंप्यूटर संचालक और जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी बच्चे हैं बेटा, ठीक है, आप सब एक बार थोड़ा बीसीसी बोर्ड पे दबाव डालिएगा, क्या पता हमारा ये दबाव किसी बच्चे की पढ़ाई को बहुत पहले शुरू करा दे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।